हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा झटका 4 अप्रैल को लगा। वो झटका था शशिकला का निधन। जी हाँ, 4 अप्रैल दोपहर 12 बजे शशिकला ने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि शशिकला ने अब तक 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी जिंदगी काफ़ी संघर्ष भरी रही है। 19 साल की उम्र में उन्होंने ओपी सहगल से शादी कर ली थी। जी हाँ, ओपी सहगल से उन्हें प्यार हो गया था और बड़ी ही छोटी उम्र में उन्होंने शादी रचा ली थी। जी हाँ, अपने एक इंटरव्यू में शशिकला ने कहा था कि उस समय लड़कियों की शादी के बाद फिल्मों में काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि डायरेक्टर्स उन्हें फिल्मों में नहीं लेते हैं। तो इसके बाद उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरी रही है। अपनी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों के साथ उन्हें गुजारना पड़ा है। क्या कुछ हुआ उनके साथ और कैसे शादी के बाद और शादी से पहले उनकी ज़िंदगी बीती है, इसके बारे में आज हम खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस शशिकला का 88 की उम्र में निधन हो गया। 4 अप्रैल दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि शशिकला का नाम 70 की दशक की एक्ट्रेसेस में शुमार किया जाता था। उन्होंने विलन और हीरोइन दोनों के किरदार बड़े पर्दे पर निभाए। इसके अलावा छोटे पर्दे पर भी अपनी किस्मत उन्होंने आजमाई, लेकिन जिंदगी में शायद कुछ और ही होना लिखा था। 19 साल की उम्र में शशिकला की शादी हो गई ओपी सहगल संग। प्यार और शादी करने के बाद शशिकला लाइफ में सेटल होना चाहती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शशिकला से शादी के बाद ओपी सहगल का बिजनेस डूबने लगा। शशिकला बहुत कम पैसे कमाती थी, ऐसे में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। फिल्म जीनत में कवाली के लिए शशिकला को 25 रुपये का इनाम मिला। श्यामा जैसी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ा, फिर भी लीड रोल नहीं बल्कि दूसरे छोटे मोटे रोल मिलते थे। घर की रसोई चलाने के लिए शशिकला ने डबल शिफ्ट्स भी किए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बेटी आया से शिकायत मिलने लगी और पति संग टकरार बढ़ता गया। शशिकला के पति ओपी सहगल ने एक फिल्म में इन्हें कास्ट किया। शशिकला ने कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में एक शादीशुदा महिला को हीरोइन मटेरियल नहीं मानते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी यंग क्यों ना हो। मैंने स्टारडम को हाथ से फिसलते देखा है। शशिकला ने कहा था कि मेरे पति ने फिल्म में मुझे लीड रोल चुना। 6 साल इस फिल्म को बनने में लग गए। मोहन सहगल एक बड़े डायरेक्टर बन गए। शंकर जयकिशन मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। किशोर कुमार टॉप स्टार बन गए और कुमकुम वैप से हीरोइन बन गए। मेरे लिए चीज़ें वहीं की वहीं रहीं। शशिकला ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि प्रोफेशनल लाइफ पर पर्सनल लाइफ का असर पड़ने लगा। किस्मत भी मेरे साथ नहीं थी। बच्चे जब बोर्डिंग स्कूल में थे तब मेरी और सहगल साहब के बीच तकरार ज़्यादा बढ़ने लगी। फिल्म गुमराह को मैंने अपने हाथ से जाने दिया और विदेश में दूसरे इंसान के पास चली गई। पति बच्चे करियर सब कुछ छोड़ दिया। शशिकला ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में वो सबसे बड़ी गलती थी जिसके लिए मैंने बड़ी कीमत चुकाई। मुझे टॉर्चर किया गया। मैं जब भारत वापस आई तो टूटी बिखरी हुई। कई दिनों तक मैं सड़कों पर एक पागल औरत की तरह घूमी। सड़क किनारे सोई, जो मिला वही खाया। शांति के लिए आश्रम और मंदिर गई। मालूम हो कि शशिकला का पूरा नाम शशिकला जावलकर था। उनका जन्म 4 अगस्त को सोलापुर में हुआ था। उनका बचपन बहुत ऐशो आराम से गुजरा था। शशिकला के 6 भाई बहन थे। उनके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। शशिकला की पहली फिल्म जीनत थी, जिसे नूर जहान के पति शौकत रिजवी ने बनाया था। उन्होंने 3 बत्ती 4 रास्ता, हमजोली, सरगम, चोरी चोरी, नीलकमल, अनुपमा में भी काम किया था। फिल्मों के साथ साथ शशिकला ने टीवी में भी काम किया। वो मशहूर सीरियल सोनपरी में फ्रूटी की दादी के रोल में भी नजर आई थी। साल 2007 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा था। शशिकला की शादीशुदा जिंदगी भी कुछ खास नहीं रही। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्हें
अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जी हाँ, फिल्मों के साथ साथ शशिकला की निजी जिंदगी भी बहुत सुर्खियों का हिस्सा रह चुकी थी। 19 साल की थी तभी उन्होंने ओपी सहगल से शादी कर ली। जी हाँ, अफेयर उन्हीं के साथ और फिर शादी की खबर ने मीडिया में बहुत सुर्खियाँ बटोर ली थी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में उन्हें बहुत संघर्ष भी झेलना पड़ा। जी हाँ, शशिकला से शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति का बिजनेस डूबने लगा। शशिकला की कमाई भी ज़्यादा नहीं थी, ऐसे में गुजारा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। शशिकला की ज़िंदगी में वो मोड़ भी आया जब शशिकला को बर्तन धोने पड़ रहे थे दूसरों के घर में। जी हाँ, आपको बता दें, शशिकला की जिंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। उन्होंने फिल्मों में हीरोइनों के साथ निगेटिव किरदार भी निभाया है। जी हाँ, कहा जाता है कि अभिनेत्री बनने से पहले शशिकला ने मजबूरी में लोगों के घरों में नौकरानी तक का काम किया है और काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिला था। जी हाँ, असल में शशिकला का परिवार बहुत अमीर था और उनके पिता बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन शशिकला को नाचने गाने और एक्टिंग का शौक था। इसीलिए सोलापुर जिले के कई शहरों में शशिकला ने स्टेज शोज किए। उस समय शशिकला मात्र 5 साल की थी, लेकिन किस्मत में ना जाने क्या लिखा था, एक ऐसा वक्त आया जब शशिकला के पिता कंगाल हो गए और गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। तब शशिकला के पिता परिवार को मुंबई ले आए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि शशिकला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पिता पूरी कमाई अपने छोटे भाई को भेज देते हैं, वो लंदन में पढ़ाई कर रहा था, हम 6 भाई बहन थे, पिता ने अपने परिवार से ज़्यादा भाई की ज़रूरतें पूरी की। एक समय ऐसा आया जब उनके छोटे भाई यानी मेरे चाचा की बहुत अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन तब वो हमारे परिवार को भूल गए, मेरे पिता दिवालिया हो गए। वो दिन बहुत मुश्किल भरे थे, करीब 8 दिन तक हम लोगों को खाना नहीं मिला। हम लोग इंतज़ार करते थे कि कोई अपने घर पर लंच पर इनवाइट कर ले। खबरों की माने तो मुंबई में शशिकला ने काम मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। तब मजबूरी में उन्होंने घरों में काम करना शुरू कर दिया। इंटरव्यू में शशिकला ने कहा था कि नौकरानी का काम करने के दौरान उनकी मुलाकात एक एक्ट्रेस और सिंगर नूरजहां से हुई, जिन्हें उनका फेस काफ़ी पसंद आया। नूरजहां ने अपने पति से कहकर शशिकला को फिल्म में काम दिलवा दिया। इस तरह शशिकला ने 1945 में फिल्म जीनत में काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें 25 रुपये मेहनताना मिले। जी हाँ, शशिकला की ज़िंदगी काफ़ी संघर्ष भरी रही है। 19 साल की उम्र में शादी और फिर आपको बता दें कि ज़िंदगी में काफ़ी कुछ उन्हें सहना पड़ा और अब जब खबर आई है कि उनका निधन हो गया है तो पूरा का पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री गम में है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपने जाना शशिकला की ज़िंदगी के बारे में, शशिकला की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कि कैसे उनकी शादी हुई, कैसे उन्होंने ओपी सहगल से शादी की और क्या उनका रहा फिल्मों में सफ़र, कैसे संघर्ष भरे इस सफ़र को उन्होंने निभाया और आज वो हम सबको छोड़ कर चली गई। हम दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आप भी दुआ कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।